जय हिंद साथियों, आज बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, यह कौन सी नोटिफिकेशन आया है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। तो देखिए, बात करेंगे हम शैक्षणिक सत्र 2020-21 की, और वह जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं वाले स्टूडेंट की। तो उनके जो है एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब वह जो है लास्ट डेट कब है, तो जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसकी लास्ट डेट भी बता दी है हमें। तो वह लास्ट डेट है 12 अगस्त। कौन सी डेट है? 12 अगस्त। तो चलिए, उस जो है विज्ञप्ति जो जारी की है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, उस पर चलते हैं। तो गाइज, यह वीडियो को जो भी स्टूडेंट देखते हैं, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं चैनल में, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए स्टेट वीडियो जो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए, चलिए वो विज्ञप्ति पढ़ते हैं हम लोग क्या है। अब एडमिशन कब से हो, तो कब स्टार्ट तो हो चुके एडमिशन, पर लास्ट डेट कब है आपकी? 12 अगस्त इसके लास्ट डेट है। और गाइज, अब आपके स्कूल कब से चालू होंगे वो भी जानकारी अब दूंगा मैं आपको। चलिए, यहाँ पर कहा है शैक्षणिक सत्र 2021 इसके लिए नियमित छात्रों को संस्था में प्रवेश देने संबंधी, मतलब आपका जो है एडमिशन को लेकर इन्होंने कहा, यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के संबंध प्राप्त संस्थानों में नियमित छात्रों को प्रवेश देने संबंधी कार्यवाही का उत्तरदायित्व संस्था प्राचार्य को होगा। मतलब गाइस, जो एडमिशन को लेकर जितनी भी प्रक्रिया है वह जो है अपने प्राचार्य के पास होंगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने जाने के कारण त्रुटियों में कमी हुई है। गाइस, पहले जो था ऑफलाइन आपको एडमिशन करवाए जाते थे, बट अभी कोरोना के चलते आपके जो एडमिशन है ऑनलाइन करवाए गए हैं। सत्र 2021 में भी नामांकन एवं परीक्षा प्रवेश पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। मतलब गाइस, सभी जो प्रक्रिया है आपकी पहले ऑफलाइन होती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। इन्होंने साफ साफ कह दिया है यहाँ पर कि सभी प्रोसेस अभी सब ऑनलाइन होगी। चलिए आगे क्या कहा है देख लेते हैं। इन्होंने कहा है आगे, प्रतिवर्ष की भांति समस्त संस्थान प्राचार्य द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अपनी संस्था में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षाओं में प्रवेश से संबंधित प्रक्रिया अंतिम 12 अगस्त होगी। देखिए गाइस, इन्होंने बता दिया है कि 12 अगस्त को यह प्रक्रिया है समाप्त होगी। आगे कहा गया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ऑनलाइन नामांकन के पृथक में मोबाइल ऐप तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें सभी छात्रों द्वारा शिक्षकों को अपनी पंजीयन करना अनिवार्य होगा। मतलब जो आपके एप्स बना रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल, उसमें जो आपके टीचर भी जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो स्टूडेंट वो भी आपका पंजीयन करेंगे। चलिए, ऐप का पंजीयन करने का संपूर्ण दायित्व संस्था प्राचार्य होगा। इसका सभी दायित्व किसको जाएगा? आपके प्राचार्य को जाएगा। और आप लोग जो है क्या कहा है इन्होंने, और माध्यमिक शिक्षा द्वारा मोबाइल ऐप की जानकारी ऑनलाइन नामांकन एवं परीक्षा प्रवेश पत्र भांति भरने की तिथि व प्रक्रिया संबंधी विस्तृत निर्देश पृथक से शीघ्र जारी किए जाएंगे। मतलब गाइस, वह जो ऐप आप वो लॉन्च करने वाले हैं, तो उस ऐप के जरिए ही आपको संपूर्ण जो है यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो गाइस, ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने दिया है 12 अगस्त, तो गाइस 12 अगस्त के बाद आपके स्कूल जो है चालू हो सकते हैं। हम अभी श्योरली तो आपको बता रहे हैं कि 12 तारीख के बाद एडमिशन जैसे ही खत्म हो गए, तो कोरोना अभी कम हो रहा है, काबू हो रहा है, तो आपके 12 अगस्त के बाद जो है कॉलेज और स्कूल जो है खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको कुछ परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो बिल्कुल हमें कमेंट्स करें, कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करना है। और गाइज, एक लाइक तो बनती ही, एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, अपना ख्याल रखें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।